हेलो एवरीवन, मेरे चैनल इजी रेसिपी विद भारती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बनाएंगे दिल्ली के फेमस राम लड्डू की रेसिपी, जो बहुत ही अच्छी बनके तैयार होती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। और इसको आज हम बनाएंगे मूंग दाल से, और कोई दाल इसमें ऐड नहीं करेंगे, तो ये बहुत ही हेल्दी बनके तैयार हो जाएगी और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है और बहुत आसान तरीके से बन जाती है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक बाउल ले लेंगे और इसमें हाफ कप ग्रेट किया हुआ मूली डालेंगे, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, एक चम्मच नींबू का रस डालेंगे, कम ज़्यादा कर सकते हैं इसको, और तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसको रखेंगे साइड में और आगे की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे एक ग्राइंडर जार ले लिया है और एक कप हमने सोक्ड मूंग दाल ली है, एक से दो कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, चार से पांच हम यहाँ पे लहसुन की कलियाँ ले लेंगे और दाल को अच्छे से ग्राइंड कर देंगे। तो दाल का पेस्ट बनके रेडी हो गया है, इसको एक बाउल में हम ट्रांसफर करेंगे। दाल का पेस्ट बहुत ही स्मूथ बना के रेडी करना है, बिल्कुल भी दाल के टुकड़े नहीं रहने चाहिए। यहाँ पे हमने स्वाद के अनुसार नमक ले लिया है, वन पिंच यहाँ पे हींग डालेंगे और वन पिंच ही हम यहाँ पे बेकिंग सोडा लेंगे, और तीनों चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। इसको चलाते हुए 7 से 8 मिनट तक हमें इसी तरह से बीट करते रहना है, जब तक ये लाइट और फ्लफी ना हो जाए और इसका कलर पूरी तरह से वाइट ना हो जाए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जो साइड में बेल लगी है उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे जो भी वीडियो हम डालेंगे तो आप तक पहुंच जाएंगे। जब 7 से 8 मिनट हो जाएंगे तो दाल को हम चेक करेंगे कि दाल कैसे पता चलेगी कि अच्छे से वीट हो गई है, ये भी हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए 7-8 मिनट हम दाल को अच्छे से फेंट लेंगे, देखिए कलर पूरी तरह से चेंज हो रहा है, तो दाल अच्छे से फेंट गई है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। तो एक बाउल में पानी लेंगे, एक आधा चम्मच इसमें दाल डालेंगे, तो दाल देखिए पानी के ऊपर ही है, इसका मतलब दाल अच्छे से रेडी हो गई है। और इसका कलर भी अच्छे से चेंज हो गया है। तो अब यहाँ पे एक हम कढ़ाई ले लेंगे और उसमें तेल गरम करेंगे। हमने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है, अगर कोई दूसरा ऑयल लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो अब दाल से हम छोटे छोटे राम लड्डू बनाएंगे, जो हाथों से ही बनाना है। तेल को हमने अच्छे से गरम कर लिया है, फ्लेम धीरे कर दी है। तो चलिए एक एक करके हम इसमें राम लड्डू बनाते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। और चलाते हुए इनको हमें अच्छे से डीप फ्राई करना है, जब तक ये गोल्डन ना हो जाए और अच्छे से पक ना जाए। ये रेसिपी बहुत ही आसान है, हर कोई इसको बना सकता है। बिना स्किप किए वीडियो को ज़रूर देखें, तो कोई भी गलती नहीं होगी, तो रेसिपी बहुत अच्छी बनके तैयार हो जाएगी। तो ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इनका कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो अब इनको हम बाहर निकाल लेंगे। और जो दाल बच गई है उसको हम बाद में बना लेंगे।
तो ये देखिए पूरे बन के रेडी हो गए हैं। तो चलिए करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो जैसे कि हम बाज़ार में खाते हैं उसी तरह से हम उसी में सर्व करेंगे। तो यहाँ पे एक कटोरी ले ली हमने और 8 से 10 हम इसमें राम लड्डू डालेंगे। अब यहाँ पे हम ऊपर से सौंठ वाली जो इमली की चटनी होती है वो डालेंगे। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और हमने हरी चटनी ली है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। दोनों चटनी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में भी डाल दिया है। और ऊपर से हम इसमें मूली कस डाल देंगे जो रेडी किया था। और वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।